नमस्कार। तो पिछला चैप्टर जो हमने किया था वो था विजुअलाइजिंग 3D शेप्स, मतलब 3-डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं जिनके अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों होती है, और ये तीनों होती है तो वॉल्यूम भी होता है। तो ये 3D शेप्स के बारे में हमने देखा था। अब जब एक 3D शेप हमारे सामने है तो उसका वॉल्यूम निकालना कैसे? 2-डायमेंशनल के अंदर, 2-डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं उसके अंदर एरिया होता है, पेरीमीटर होता है। लेकिन यहाँ जब 3-डायमेंशनल शेप होगा तो एक तो उसका सरफेस होगा, सरफेसेस में लेटरल सरफेस भी होगा, टॉप का एरिया होगा, बेस का एरिया होगा। तो एक तो होता है लेटरल सरफेस, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, और उसके साथ में वो जितनी स्पेस घेरता है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम, है ना। तो हम इस चैप्टर के अंदर हम 3-डायमेंशनल शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स भी देखेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब मेजरमेंट, मतलब एरिया को मेजर करना, उसको बोलते हैं मेंसुरेशन, मींस क्षेत्रमिति। तो आइए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम कुछ फॉर्मूले जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एक बार उसको रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमने दो फॉर्मूले देखे थे। एक था पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब अगर ये रेक्टेंगल ABCD है तो जब ये 2-डायमेंशनल फिगर है तो इसके अंदर बाउंड्री होगी, और बाउंड्री की लेंथ उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर इसकी लेंथ ये L है, ब्रेथ भी है, तो ये भी लेंथ होगा और ये भी ब्रेथ होगा। अब इसकी बाउंड्री अगर हम देखें तो क्या होगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब 2 times L और 2 times B, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 times length प्लस ब्रेथ, दिस इज पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। और एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज एरिया। फिर अगर हम पर्टिकुलर केस लें रेक्टेंगल का, पर्टिकुलर केस क्या होता है, लेंथ अगर ब्रेथ के बराबर हो, तो लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल होगी देन दिस इज कॉल्ड एरिया। तो अगर ये ABCD ये अगर कोई स्क्वायर है और इसकी हर साइड अगर A, A, A और A हो तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4A और इसका एरिया हो जाएगा A into A, मीन दिस विल बी A square। फिर हम आते हैं ट्रायंगल्स पे। ट्रायंगल्स में पेरीमीटर विल बी, ये अगर ट्रायंगल ABC है और इसकी साइड, अगर इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसके सामने वाली स्मॉल बी से, और इसके सामने वाली स्मॉल सी से। तो जैसा हमने देखा पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री की लेंथ मीन्स दिस विल बी स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, मीन्स दिस इज सम ऑफ द 3 sides, दिस इज पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 base into height। तो ये बेस है अगर और ये हाइट है तो 1/2 base into height, दिस इज द
एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद में आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में वापस से अगर ये PQRS पैरेललोग्राम है तो पेरीमीटर तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल फोर साइड, चारों साइड्स का सम कर लो, लेकिन एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है और इसका बेस इनटू हाइट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में हमने एक और प्लेन के अंदर जो फिगर होता है वो सर्कल भी होता है, तो सर्कल के लिए जो पेरीमीटर है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस और ये होता है 2πr, है ना। अच्छा, ये 2πr आता कहाँ से है? एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, थ्योरम है, सर्कमफ्रेंस ऑलवेज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो विथ डायमीटर। मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या है? पाई है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू पाई इनटू डायमीटर, लेकिन डायमीटर होता है 2r, डबल ऑफ रेडियस, तो 2πr हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस। फिर एरिया ऑफ सर्कल ये पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पे r रेडियस हो, है ना। तो ये फॉर्मूले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने एक बार इसको रिवाइज कर लिया क्योंकि ये आगे यूज आने वाले हैं। अब आइए सबसे पहले इसके जो फॉर्मूले हमने देखे हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स आर गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर इसका सेम दिया हुआ है। Which field has larger area? तो उसमें से एरिया किसका ज़्यादा होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले ये अगर स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, इसमें मेजरमेंट दिया है 60 meter, तो ये भी 60 meter हो जाएगा, ये भी 60 meter हो जाएगा और ये भी 60 meter हो जाएगा। तो इन सॉल्यूशन वी विल राइट, सॉल्यूशन के अंदर फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए पेरीमीटर ये होता है 4a। 4a मींस दिस इज इक्वल टू 4 into this is 60, means this is 240 meters, ये perimeter हो गया। अब इसका area निकाल लें, so this is 4 square, so now area will be equal to, area is equal to, this will be length into breadth means, or a square, this is a square, a square means this will be 60, it's a square, means 60 into 60, so this is 3600 centimeter square, means square centimeter। तो ये हो गया area of this square। अब हम आते हैं rectangle, so for rectangle रेक्टेंगल के लिए हमको क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू से दिस इज PQRS, PQR एंड S, सो लेंथ इज इक्वल टू दिस, ब्रेथ इज नॉट गिवन, सो लेंथ इज इक्वल टू 80 meter। अब ब्रेथ निकालनी है तो यहां पे दिया हुआ है पेरीमीटर दोनों का इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो सिंस पेरीमीटर
of rectangle is equal to perimeter of square. ये चीज दी हुई है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सो दिस इज इक्वल टू, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 240, राइट। यहां पे लेंथ 80 दी हुई है, सो लेंथ विल बी 2 into दिस इज 80 एंड प्लस बी इज इक्वल टू 240, ओके। सो 2 से डिवाइड करें, 80 प्लस बी इज इक्वल टू 240 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 120, राइट। और इसको 40 को उधर शिफ्ट कर दें तो बी इज इक्वल टू 120 माइनस 80 मीन्स दिस विल बी 40 meters। तो अब हमारे पास में ब्रेड्थ भी आ गई, हमारे पास में लेंथ ऑलरेडी दी हुई थी, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज दिस इज इक्वल टू 80 into 40 means this is equal to 3200 square meter. तो इसका एरिया आया 3200 और एरिया ऑफ स्क्वायर था 3600, तो कौन सा ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। सो विच फील्ड हैज लार्जर एरिया, तो सिंस 3600 is greater than 3200, therefore area of square is larger. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और हमको याद रखना है कि अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल में पेरीमीटर सेम दिया है तो भी एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। चलिए आगे बढ़ें। मिसेस माला हैज ए स्क्वायर प्लॉट विथ मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे प्लॉट की लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ दिस इज 25 by 25, ये स्क्वायर प्लॉट है, तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड दिस हाउस, find the total cost of developing a garden around the house at the rate of, so this rate of developing the garden is also given. अब यहाँ पे जो house है उसकी length और breadth दी हुई है 20 meters and 15 meters, तो garden कहाँ पे develop होगा, यहाँ पे develop होगा, तो हमको इस गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा, और गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए स्क्वायर के एरिया में से ये हाउस का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में गार्डन का एरिया आ जाएगा, और ये गार्डन के एरिया को 55 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन आ जाएगा। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन
फोर स्क्वायर साइड इज गिवन साइड इज इक्वल टू दिस इज 25 मीटर देयरफॉर वी कैन फाइंड देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 25 means this is 625 square meter, right? Then for, this is for square, and for rectangle के लिए length दी हुई है, length is equal to ट्वेंटी मीटर ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर देयरफॉर एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 15 मीन्स दिस विल बी 0 and 20 and this is 30. So 300 square meter. This is the area of a rectangle. So area of garden kya ho jayega? Area of square minus area of rectangle. So therefore area of garden is equal to area of square minus area of rectangle means this will be area of a square is 625 minus area of rectangle is 300 means this will be 325 square meter, right? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब कॉस्ट कितनी होगी इसको 55 क्योंकि यहाँ पे रेट दिया हुआ है 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो therefore कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन दिस विल बी इक्वल टू cost will be equal to 325 into 55 means this will be, now the calculation we can do, 325 into 55, 5 into 5, 25, 2 is remaining, 10 and 2, 12, 1 is remaining, then 15 and 1525 we can write here also, then this is 5 7 7 6 and 1. So this will be equal to rupees 16,775. This will be the cost of developing the garden in this house. Okay, now come to next. Ab dekhiye, yahan pe the shape of the garden is a rectangle in the middle and the semicircular at the end as shown in the figure. तो यहाँ पे रेक्टेंगल है और इधर दोनों जगह सेमी सर्कल है. फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. तो सबसे पहले अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, सॉल्यूशन, तो पेरीमीटर निकालने के लिए, अब देखिए ये रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे ये डायमीटर अगर इसका 7 है तो रेडियस हो जाएगा 3.5.
ठीक है। तो यहां से 3.5 और यहां से भी अगर हम 3.5 कम कर दें, मतलब 7 कम कर दें, तो 20 में से 3.5 यहां, 3.5 यहां पे, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 - 7 मींस 13 मीटर। ये 13, ये 7, ये 13 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, ये दोनों तो 13 13 निकाल लिए, ये आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, इन दोनों को सर्कल्स को अगर कंबाइन कर दें, तो सेमी सर्कल्स को कंबाइन किया तो एक सर्कल बन गया, और सर्कल की बाउंड्री हो जाएगी सर्कमफ्रेंस। तो ये सर्कमफ्रेंस अगर हम 13 में ऐड कर दें तो हमारे पास में ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो सबसे पहले, सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 7, दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो 7 मीटर, देयरफॉर रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ये हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बिकम 20 में से -3.5 और -3.5, ये अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 13 मीटर, ठीक, ये 13 मीटर हो गया। अच्छा, ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर होगा, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो हम एरिया आल्सो वी कैन फाइंड, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस 13L × b इज इक्वल टू 13 × 7, 7 × 3 = 21, 2 = 9, 91 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज दिस, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड एरिया एंड देन पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ टोटल एरिया वी कैन राइट, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 times एरिया ऑफ 2 semicircles means this will be equal to area of rectangle is 91 plus 2 times area of semicircle, semicircle मतलब सर्कल का आधा, तो वो pi r square होता है। So this 2 and 2 will cancel. So this is 91 plus pi r square, pi is 22/7 into r square, radius is 3.5, 3.5 into 3.5, right? ये पॉइंट गया अपॉन में 10 आ गया, ये पॉइंट गया अपॉन में 10 आ गया, इस 7 से
35 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, इस 5 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, इस 2 से ये 22 को कैंसिल किया 11 टाइम्स, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 91 प्लस, नाउ सी दिस इज 35 इंटू 11 और 3.5 इंटू 11, वी कैन डू द कैलकुलेशन फॉर दिस। सो 3.5 इंटू 11, सो दिस विल बी 35 एंड देन अगेन 35 35, एंड दिस इज सो 5 8 and 3, सो 38.5 दिस विल बिकम 38.5, मीन्स दिस विल बिकम 129.5 स्क्वायर मीटर, दिस विल बिकम द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट गार्डन, राइट। देन वी वॉन्ट पेरीमीटर ऑल्सो, पेरीमीटर टू एल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस मीन्स 2πr, मीन्स दिस विल बी 2 इंटू लेंथ इज 13 एंड प्लस 2πr मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, सो दिस पॉइंट विल गो अपॉन में 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हुआ दिस 2, राइट। मींस ओनली वी आर गेटिंग 22, सो दिस इज 26 एंड प्लस 22, मींस दिस विल बी 48 मीटर। सो दिस सर्कमफ्रेंस मीन्स बाउंड्री की लेंथ ये हो जाएगी 48 सेंटीमीटर।